जब से लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ है तब से पूरा भारत शॉक में डूबा हुआ है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जब अमेरिका ने खरीदा लता मंगेशकर का गला, जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर की जानकारी। लेकिन उससे पहले लता मंगेशकर जी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। लता मंगेशकर के गले की सुरीली आवाज के जादू के पीछे का रहस्य क्या है, ये भारतीय जनमानस के लिए शुरू से ही उत्सुकता का विषय बना रहा है। इसके बारे में कई तरह के किस्से लोगों के बीच में सुने जाते रहे हैं। इसमें सबसे मशहूर किस्सा रहा है कि अमेरिका ने लता मंगेशकर का गला कई लाख डॉलर देकर खरीद लिया है, जो उनके मरने के बाद गले पर रिसर्च करेंगे कि आखिर उनके गले में कौन सी ऐसी खासियत है जो उनकी आवाज इतनी सुरीली निकलती थी। करीब 4 दशक पहले मेरा बाल मन इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। बचपन में मेरा जिज्ञासु मन कितनी ही लोगों से जानने की कोशिश करता था कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आज मैंने गूगल किया तो पता चला कि अभी भी बहुत लोगों को ये जिज्ञासा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। 4 दशक पहले जो बात मुझे गांव में लोगों ने लता मंगेशकर को महान साबित करने के लिए बताई थी, उसको लेकर अब भी लोगों में जिज्ञासा बरकरार है और लोग गूगल की तमाम क्वेश्चन आंसर वाली वेबसाइट पर इस सवाल को पूछते हैं, इस तरह की किंवदंती कैसे जन्म लेती है ये कोई नहीं जानता। मोहम्मद रफी के बारे में भी एक ऐसी ही अफवाह जो बाद में हकीकत से कोसों दूर निकली। गांव में किसी ने मुझे बताया था कि एक बार नौशाद साहब को ट्रेन पकड़नी थी जो लेट हो रहे थे। प्लेटफॉर्म पर हड़बड़ी में उनका पैर एक सोए हुए भिखारी से टकरा गया। नौशाद साहब के आगे बढ़ते ही भिखारी ने गाते हुए कहा कि अरे जाने वाले। नौशाद साहब ने आवाज सुनते ही अपनी यात्रा कैंसिल कर दी, भिखारी को स्टूडियो ले आए और बाद में वह मोहम्मद रफी बन गया। हमारे नायकों के बारे में ऐसी अफवाहें उनके सम्मान के चलते निकलकर आती रही हैं। पाकिस्तान ने कहा कि लता मंगेशकर दे दो कश्मीर ले लो। सालों से आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की तरह से ये डिमांड आई थी कि लता मंगेशकर हमें दे दो और पूरा कश्मीर हमसे ले लो। दरअसल में लता मंगेशकर की आवाज के दीवाने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उतने ही रहे हैं। उनके दुनिया छोड़ जाने का शौक हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी मना रहा है। दोस्तों, क्या आपको भी लता मंगेशकर के जाने का गम है? अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।